हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि आधार कार्ड की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती। जी हां दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI मतलब कि आधार कार्ड की तरफ से आ चुकी है बिल्कुल सीधी भर्ती, जो कि इस साल 2023 की नई भर्ती है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो भर्ती है बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्ती है। तो दोस्तों, यहां पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, जस्ट आपको अप्लाई करना है और आपको यहां पर ये नौकरी मिल जाएगी। ये जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यानी कि अगर आपको जो नौकरी मिलती है तो सरकारी नौकरी आपको यहां पर मिलेगी। दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कब से कब तक चलेंगे और किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, डिटेल्स में हम आपको जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से शिकायत भी है, आप वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई और बड़ी भर्ती के बारे में, जो कि आधार कार्ड की नई भर्ती है। दोस्तों, बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्ती निकाली गई है, जस्ट आपको अप्लाई करना है, आपको जॉब मिलेगी। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास के लिए वैकेंसी है। सैलरी आपको 60,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, बिना एप्लीकेशन फीस के आपको अप्लाई करना है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी या किसी भी स्टेट या सिटी से अप्लाई कर रहे हैं, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे अप्लाई करना है, डिटेल्स में आपको जानकारी देते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। दोस्तों, हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो है tipswirebuzz.xyz। यहां पर आपको सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है। वहीं सेकंड नंबर की जो वेबसाइट है वो है neovoltaic.co.in। आज ही वेबसाइट पर जाएं, जानकारी लें और अप्लाई करें। आप चाहे तो गाइस गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज हम बात करेंगे आधार कार्ड की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इस साल 2023 की नई भर्ती है। दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है और यहां पर मल्टीपल पोस्ट पर वैकेंसी है। रीजनल ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, काफी सारी वैकेंसीज हैं। स्टेनो की है, अकाउंटेंट की है, असिस्टेंट की है, मल्टीपल जॉब्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आवेदन आप चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहां पर है। ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी आपको कम से कम 32,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। बाकी हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है सैलरी का, वो आप नोटिफिकेशन के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की रहेगी। एज लिमिट जो है मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम जो है 56 साल है। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। क्वालिफिकेशन में यहां पर आपको बता दें कि ज्यादातर जो वैकेंसीज हैं ग्रेजुएट पास के लिए हैं, बट आपको बता दें कुछ ऐसी वैकेंसी है जैसे कि हेल्पर, पीओन, ड्राइवर, इन सभी के लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल जॉब से सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, एज सुन एज पॉसिबल लास्ट डेट है, ठीक है। यहां पर आपको लिंक दिया गया है अप्लाई करने का। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। आपको आना है, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है और आपको यहां पर अगर ऑफलाइन अप्लाई करना है तो यहां पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों आपको क्लिक करना है, कुछ सेकंड वेट करना है, कुछ सेकंड के बाद में आपके सामने इस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन आएगा। यहां पर आपको वैकेंसी मिल जाएगी। अगर वैकेंसी नहीं मिलती है तो ड्रॉप सीवी पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहां पर ऑनलाइन फॉर्म भर करके सबमिट कर दीजिएगा। यहां पर ध्यान रखना है, आपका जो रिज्यूमे है वो अपलोड कर देना है, बाकी इंफॉर्मेशन फिलअप करके आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो रिज्यूमे अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। जैसे कोई वैकेंसी होगी फर्दर या चल रही होगी, ऑनगोइंग होगी, तो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये प्रोसेस था ऑनलाइन अप्लाई करने का। वहीं आपको बता दें कि अगर आप ऑफलाइन बाय पोस्ट ही अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आपको आना होगा इस पेज पर। यहां पर आपको ये लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करते ही आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारी वैकेंसीज निकाली गई है, जिनकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं 1 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं, 17 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं, 11 जुलाई तक लास्ट डेट है, 12 जून लास्ट डेट है। मतलब कि आप देख सकते हैं जून जुलाई के महीने में भी काफी सारी वैकेंसीज यहां पर निकल कर आ रही हैं। किसी भी लिंक पर आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको पीडीएफ का लिंक का ऑप्शन दे रखा है, जानकारी लेने के लिए यहां पर आप क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे आप चेकआउट कीजिएगा। आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन है, नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा जिसे आपको डाउनलोड करना है। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर लास्ट डेट आप देख सकते हैं 1 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहां पर एड्रेस भी दिया गया है पिन कोड के साथ में, इसी एड्रेस पर आपको फॉर्म भर के सबमिट
सबमिट करना होगा। काफी सारी मल्टीपल पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की है, और आप देख सकते हैं अकाउंटेंट की है। काफी सारी वैकेंसीज यहां पर है जो कि निकाली जा रही है, आप देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आज ही अप्लाई कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।